अभी गाइस हमें जाना है शॉपिंग करने के लिए। जो है दोस्तों ये सामने है इंदिरा मार्केट, तो इंदिरा मार्केट में जाके शॉपिंग करेंगे आज। चलिए गाइस फिलहाल चलते हैं इंदिरा मार्केट में। और ये बाहर का लुक से गाइस इसी इंदिरा मार्केट की, ये बैंकॉक है गाइस, और ये देखिए इंदिरा स्क्वायर। तो फिलहाल गाइस हम है बैंकॉक की इसी इंदिरा मार्केट में। जी हाँ, यहाँ में गाइस 5-6 घंटे तक हमने यहाँ पे मार्केट किया, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे खरीदा है। फाइनली यहाँ से जाने वाला हूँ गाइस, इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट को दिखा देता हूँ। चलिए ये ज्वेलरी का मार्केट है, इसे ओनली 100 रुपीस से लेकर 120 रुपीस तक ये सब ज्वेलरी है गाइस। मेरे पीछे जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये ज्वेलरी का शॉप है, और 50 बाट में अच्छे अच्छे यहाँ पे हमें ज्वेलरी देखने को मिलता है। ये देखिए 50 बाट यानी 120 रुपीस के आसपास इंडियन रुपी में अगर कन्वर्ट करें तो, ये सब 100 बाट यानी 250 रुपीस इंडियन पड़ेगा एक्सचेंज करने के बाद। ये खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें देखिए गाइस, 150 बाट में ये आप लोग खरीद सकते हो। और ये सब इसका भी प्राइस ज़्यादा नहीं है, 500 के आसपास इसका प्राइस पड़ता है। हंड्रेड बाट यानी 250 रुपीस में अच्छे अच्छे थाउजर इसी इंदिरा मार्केट में। तो पूरा दिन अगर घूमोगे तो वो ख़त्म नहीं होता, पूरा दिन यहाँ पे शॉपिंग आप आराम से कर पाओगे। ओके श्योर, कॉस्मेटिक में है ना? हाँ। सब कुछ मिलता है यहाँ पे। हाँ, कॉस्मेटिक का मिलता है। अच्छा भी मिलती है। अच्छा अच्छा भी है। अच्छा आपके 2 बच्चे है? दो नहीं, उधर में है। अच्छा कहाँ से बिलोंग करते हो आप? इधर में भी है। यहाँ पे ना ये ग्लोइन डार्क ब्लैक वाला है। अच्छा अच्छा, ये जो चमकता है। अच्छा ये सब कितना पड़ता है प्राइस इसका? 100 बाट। 100 बाट ओनली? 100 बाट का कितना होता है इंडिया में? 250 रुपीस होगा। या 250। तो गाइस यहाँ पे देखा भाई लोग यहाँ पे बेच रहे, ये सिस्टर भी का। आप लोग नहीं, आप कहाँ गए हो? मैं बोलता हूँ बर्मा, बर्मा थाईलैंड का। तो हिंदी आती है आपको? इंडिया नेपाल का। हम तो यूट्यूब पे देखे है ना हिंदी। अच्छा ये नंबर आता है, प्रिंट करवाना है बोल दो, प्रिंट करा सकते हो इधर आके। आके प्रिंट करके कितना पड़ेगा इसका प्राइस भैया? 150 रुपीज। अच्छा बट 150 बट ऑलमोस्ट 300 के आसपास ही। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये भी शॉप बहुत अच्छा है सस्ता और सस्ता है। आपका ब्लॉग का नाम क्या होगा? अनबॉक्सिंग इंडिया, सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ओके ओके, इंदिरा मार्केट लिख दीजिए, हो जाएगा। ओके ओके, मेरा भी उधर ही है। भी गया था, बहुत कुछ यहाँ पे शॉपिंग कर लिया। इस वक्त मैं इस शॉपिंग मॉल से शॉप कर रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा एक शॉपिंग मॉल है गाइस। फिलहाल एक ही फ्लोर पे हूँ मैं, और इसका 3-4 फ्लोर है, और बहुत कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है।
जो भी चीजें आपको खरीदना है तो यहाँ पे खरीद सकते हो, काफी सस्ता। खास करके मैं अभी अभी शॉपिंग सेंटर से बहुत कुछ खरीदा है और आप लोगों को ये जो शॉपिंग मॉल है इसको दिखा रहा हूँ गाइस। और अगर आप कभी भी थाईलैंड में आते हो तो इसके जो कैपिटल है गाइस बैंकॉक, इसमें एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जो है इंदिरा मार्केट। और इस इंदिरा मार्केट में आपको ज़रूर एक बार शॉपिंग कर लेना चाहिए क्योंकि इतना कुछ यहाँ पे मिलता है और साथ ही साथ काफ़ी कम प्राइस में, लेकिन इंडिया से काफ़ी ज़्यादा महंगा है हर एक चीज़। नहीं, इंडिया से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इंडिया में बहुत सस्ता मिलता है। हाँ, क्वालिटी थोड़ा अलग होते हैं बाकी कंट्री के मुकाबले। ओके, थैंक यू। तो गाइस थाईलैंड के बाकी जो पटाया सिटी है या फिर बाकी जो भी यहाँ पे हमें मॉल देखने को मिलता है उनमें काफ़ी प्राइस ज़्यादा है, बट इसमें काफ़ी कम है। चीप रेट में आपको अच्छे अच्छे सस्ते सस्ते, हाँ चीप में काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें देखने को मिल जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये जो इंदिरा मॉल है इसको शेयर किया है। कैसा लगा ये खूबसूरत मॉल नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। इस यहाँ पे देखिए बहुत कुछ है ना, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे बर्मा, नेपाल इन सब का दुकान यहाँ पे रहता है। अलग चीज़ें गाइस, यूनिक यूनिक चीज़ें आपको इसी इंदिरा मॉल में देखने को मिलता है, इंदिरा मार्केट में। तो ऐसा हज़ारों यहाँ पे शॉप लगा हुआ है और इस शॉप से अलग अलग कंट्री से, इंडिया से भी बहुत लोग आके गाइस यहाँ पे परचेज करते हैं। और यहाँ पे गाइस कुछ चीज़ों का मैं प्राइस आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये कितने बाट की है? 250 लाख पर 200 की है सर। 200, इसका जो प्राइस है वो 200 है, एंड ये सब 200 बाट। 180 बाट, तो इंडिया के साथ कंपेयर करें तो 400 के आसपास इसका प्राइस पड़ेगा। कहाँ है? ओके, थैंक यू। 150, ओके ओके। एंड ये कुछ प्राइस है जो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया है। इन चीज़ों के ऊपर बात करूँ तो 400 जैसा प्राइस पड़ता है, 200 बाट, ये सभी 200 बाट के हैं। और साथ ही साथ इन टी शर्ट के ऊपर बात करूँ तो ये भी कुछ 250 बाट पड़ता है, इंडियन 500 जैसा। और ये चप्पल वगैरह क्रॉक्स का हमें देखने को मिलता है, इनका भी प्राइस ज़्यादा कुछ नहीं होगा गाइज। ब्रदर ये कितने का? 455 at discount, okay, but it's not original but costly. Vietnam original, this one original. Yeah, okay, wait, I'm coming. What is this pen? Okay. One piece 43, piece 100. Okay. ये खूबसूरत खूबसूरत पेन भी आप देख सकते हो। ये देखिए इसका जो प्राइस है ये है 40 रुपीज़ का, एंड अगर तीन लोग हैं तो 100 बट यानी 250 रुपीज़ इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो अच्छे अच्छे फ्लावर जैसा यहाँ पे हमें पेन भी देखने को मिल रहा है। आम का छातनी यहाँ पे बैंकॉक में अब हम खाने वाले हैं गाइस, कुछ इस तरीके से आम को काटा जा रहा है। यहाँ पे देखिए फ्रेश फ्रेश छतनी। इसके अलावा ये फ्रूट वगैरह है 20-20 बाट में, यानी इंडियन 50 रुपीस पड़ता है। मसाला दिस वन, हाँ यस, दिस वन आल्सो, दिस वन What is this? Supa. Okay, don't give. This one? Salt, supa, chili. Okay.
गाइस यहाँ पे फिलहाल आम का चटनी खाने वाला हूँ और फिलहाल यहाँ से निकलेंगे गाइस। अभी अभी हमने यहाँ पे शॉपिंग किया है इंद्रिया मॉल से, आप लोगों ने देखा, तो चलिए फिलहाल चलते हैं एंड यहाँ से कल हम वापस जाने वाले गाइस। तो आज की गाइस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं, कल नया ब्लॉग होगा गाइस, कल के ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगा क्या कुछ होता है। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।